हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज के बैक पार्ट में सुंदर सा डिजाइन सिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यह है हमारा ब्लाउज का डिजाइन जिसको हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी हमने लंबाई कितनी ली है, चौड़ाई कितनी ली है, डोरी और वगैरह डाली है, किस तरीके से हमने ये डिजाइन बनाया है, तो दोस्तों इसको हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इसको सीखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हमें यहाँ ब्लाउज में डिज़ाइन डालना है। तो दोस्तों, ये हमारी ब्लाउज की बैक साइड है। हमें यहाँ से लेके इस कोने से लेके इस कोने तक एक डिज़ाइन डालना है, जिसके लिए हमें अपने यहाँ पर बुकरम ले रखा है, कुछ पहले से डोरी तैयार कर रखी है और कुछ यहाँ पर लुप्पी तैयार कर रखी है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई का हमें बुकरम यहाँ कटिंग करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक है हमारी लंबाई। इस तरीके से आप इसको नाप के देख लें और यहाँ से एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग कर दें। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अपना बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 5 इंच और लंबाई है हमारे ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी लंबाई के अनुसार। तो दोस्तों, हम इस तरीके से यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे इस प्रकार। और फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पर 2 इंच नीचे, यहाँ से कंधी से 2 इंच नीचे और नीचे की साइड से 2 इंच नीचे, इधर को हमें बीच में यहाँ निशान लगाना है और इसको इस तरीके से निशान लगाते चले जाएँ कुछ इस प्रकार। यहाँ की दूरी रखना है हमें 1 इंच, जो हम ओपन करेंगे इसको कटिंग करने के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 इंच। और इस तरीके से कटिंग यहाँ निशान लगाने के बाद में अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, कटिंग करने का तरीका सबसे बेहतर यह है, जिससे हमारी कटिंग की चौड़ाई कहीं कम या ज़्यादा ना हो। तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, जिससे हमारी कटिंग बिल्कुल एक सी आए। उसके बाद हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम करीब 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर लेना है इस तरह। तो दोस्तों, इस पैटर्न को हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। इस चीज़ का ख़ास तौर से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से 2 इंच नीचे और यहाँ से 2 इंच ऊपर, इस तरीके से आपको मतलब बीच में यहाँ से 2-2 इंच का गैप रख के यहाँ से और यहाँ से उसके बीच में आपको कटिंग करना है। तो दोस्तों, अब हम मशीन पर चलते हैं और इसको करते हैं कम्प्लीट। हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इस अपने पैटर्न को जमा लिया है। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े को कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अपने पूरे पैटर्न पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों, हमने अपने पैटर्न पर यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इसको इस तरीके से जमा लिया है। अगर आपका बुकरम चिपकने वाला हो तो आप अपने प्रेस से इसको कपड़े पर चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर पैटर्न इस तरीके से रखा है, अपनी इस वाली कंधी पर रख लिया और यहाँ नीचे रख लिया। अब हमें क्या करना है, बीच में सिलाई लगा के अपने इस पैटर्न को जमा लेना है। उसके बाद में हमें अपनी बुकरम की जड़ में सिलाई लगाने के बाद में इसका मार्जिन कटिंग करके इसको पलट लेंगे।
तो दोस्तों हमने इसको यहाँ इसका कपड़ा कटिंग करके इसको पलट के और इसके ऊपर से किनार की सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में अब हमारी जो लूप्स हैं हमने इन लूप्स को यहाँ पर कटिंग करना है करीब 2 इंच। इस तरीके की हम 2-2 इंच की अपने लूप्स को कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों हम इस तरीके से यहाँ पर लूप्पी 1/2 इंच निकाल के इस तरीके से इस साइड में और इस साइड में दोनों साइड में फांस देंगे। करीब हम 2-2 इंच की दूरी पे या 1.5 इंच की दूरी पे इसको इस तरीके से फांस देंगे। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर इन लुप्पियों को लगा दिया है उसी प्रकार हमें इस वाली साइड में भी लुप्पियों को लगाना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी सारी लुप्पियाँ लगा ली हैं। लगाने के बाद में जो हमारी ये डोरी है इस डोरी को हमें इन लुप्पियों में इस तरीके से डाल देना है। अब आपको इस डोरी को इसमें डालना है तो एक इसमें और एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक एक करके आपको इस पूरे पीस में डोरी पिना देना है इस तरीके से। अब ये वाला जो एक डोरी का हिस्सा है वो हम इसमें डालेंगे, फिर दूसरा ये वाला डोरी का हिस्सा इसमें डालेंगे। इस तरीके से हम पूरे इसमें अपने डोरियां डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आके हमारा ब्लाउज के बैक पार्ट में डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों आपको डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसको अगर आपको सीखने में ज़रा सी परेशानी हो तो भी हमें कमेंट्स करें, हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो नए डिज़ाइन के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।